मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। बीजेपी ने 3 मरकजी वुजरा समेत 7 एमपी को असेंबली इंतखाब लड़ाने का फैसला किया है। दिमनी से मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर, नरसिंहपुर से प्रहलाद सिंह पटेल, निवास से फक्कन सिंह कुलस्ते को टिकट दिया गया है। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी विजय वर्गीय इंदौर 1 से इंतखाब लड़ेंगे। एमपी रीति पाठक, राकेश सिंह, गणेश सिंह और उदय प्रताप सिंह को भी टिकट दिया गया। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 6 खवातीन जबकि 14 यहां एससी एसटी उम्मीदवार हैं। अब तक बीजेपी की तरफ से एमपी में 78 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है और बीजेपी ने आज दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है अपने उम्मीदवारों की। मध्य प्रदेश में इंतखाबात को देखते हुए, लेकिन ऐसे में बीजेपी ने 3 मरकजी वुजरा समेत 7 एमपी को असेंबली इंतखाब लड़ाने का फैसला किया है, जिनके नाम भी हमने आपको बताया। दिल्ली से मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर और नरसिंहपुर से प्रहलाद सिंह पटेल, निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते को टिकट दिया गया है। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी विजय वर्गीय, कैलाश विजय वर्गीय इंदौर 1 से इंतखाब लड़ेंगे। एमपी रीति पाठक, राकेश सिंह, गणेश सिंह और उदय प्रताप सिंह को भी टिकट दिया गया। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 6 खवातीन जबकि 14 एससी एसटी उम्मीदवार हैं और अब तक आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से एमपी में 78 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है।